कांची नदी और हमारा पर्यटन क्षेत्र दसम पॉल के चुरगी पंचायत में आज हमारे पूरे जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में हमारी टीम एक बड़े और महत्वाकांक्षी योजना के प्लान के लिए हम सभी लोग इधर आए हैं। वर्तमान में कांची वियर के माध्यम से लोगों को कैनाल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम कई चरणों में चल रहा है, जिससे तमाड़ क्षेत्र, सोनाथु और ईचागढ़ के क्षेत्रों में इसका प्रभाव क्षेत्र है, पटवन क्षेत्र तैयार करने की योजना हमारी है। बोईस में एक महत्वाकांक्षी और बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम इस नदी के ऊपर हमारा प्लान है, हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि जलापूर्ति, कांची शहर की जलापूर्ति और आसपास बुंडू आसपास की पूरी आबादी, ये हमारे इस प्रखंड अड़की आसपास के बुंडू तमाड़ आसपास के लोगों की जलापूर्ति व्यवस्था, सिंचाई के लिए रबी को भी हम लोग जोड़ कैसे पाए, साथ ही साथ गर्मा को भी हम इसमें जोड़ने का प्लान हम लेके चल रहे हैं, बिजली उत्पादन, पर्यटन को और कारगर धारदार बनाने की भी साथ में एक संयुक्त तैयारी है, इसलिए हम लोग ने महत्वाकांक्षी और बहुउद्देश्यीय योजना कहा है। डिपार्ट इस पे प्रथम दृष्टया सर्वे करेंगे कि जल जमाव का जो क्षेत्र हमारा होगा, इसके ऊपर जो हमारा प्लान होगा, जल संग्रह का जो प्लान होगा, उसके क्षेत्रों का व्यवहारिक रूप से निरीक्षण करने का आज हम लोगों ने फैसला लिया है और विभाग इस पे आगे कार्रवाई करेगा, ताकि आने वाले समय लॉन्ग टर्म हम लोग पीने का, सिंचाई का, पर्यटन का, बिजली उत्पादन, इन चारों विषयों को जोड़कर एक मल्टी स्कीम एक हम लोग तैयार करेंगे, ताकि इस क्षेत्र को पूरे इस रांची जिले के और खूंटी के इस क्षेत्र को एक और इस क्षेत्र के लोगों को, किसानों का, आमजन का, पर्यटन का और बिजली उत्पादन का एक आधार हम इसको बना सकें, ये तैयारी विभाग की। वर्तमान में हम लोग कांची वियर्स है, इस क्षेत्र के किसानों को पानी देते हैं, सोनाहतु, तमाड़, अड़की, ईचागढ़ प्रखंड को पानी, 125 गांव को पानी मिलता है, लेकिन ये पानी खरीफ सीजन में दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ जल भंडारण की क्षमता नहीं है, रबी में कैसे पानी दिया जाए इसके लिए विचार आया था, ऐसा पानी नदी पर ही एक बिया के ऊपर बांध बनाने की योजना है, इसमें मल्टीपर्पज स्कीम होगी, सिंचाई के अलावा पीने की पानी की व्यवस्था, पर्यटन स्थल को विकसित करने की व्यवस्था, हाइड्रो पावर की व्यवस्था आदि की जाएगी। ये हमारा नेटवर्क पॉलिसी कैनाल सिस्टम का है, उसको तो इस्तेमाल करेंगे ही, इसमें अलग से भी बाई कैनाल देकर हम लोग और सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाएंगे। कब तक ये काम शुरू हो जाएगा सर? अभी देखिए प्रारंभिक अवस्था में हम सर्वे काम करेंगे इसका, और सर्वे के बाद ही, सर्वे में लगभग 3 महीने का समय लगेगा। लागत लगभग कितनी आएगी इसमें, कुछ ऐसा योजना भी बना है? आकलन इसका अभी करना दिक्कत है, इसमें सर्वे के बाद इसमें बता पाएंगे, ये बड़ी योजना है। दूर दूर से आते हैं मरीज सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में, तो आप भी आयुष्मान का लाभ उठाएं। सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में, सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में सभी प्रकार के इलाज किया जाता है। सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा इलाज किया जाता है, वो भी रांची के डॉक्टर आते हैं रोज मरीजों के इलाज के लिए, और साथ ही साथ अब तक 700 से अधिक मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया गया है आयुष्मान के द्वारा सिंहपुर नर्सिंग होम में। रामगढ़, गोला, बोकारो, धनबाद, चास, जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, बुंडू तमाड़, राहे, सोनहातु, बंता, अनगढ़ा और बंगाल के भी मरीज आयुष्मान का लाभ ले चुके हैं सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में, तो आप भी आयुष्मान का लाभ लेने जरूर आएं। सिंहपुर नर्सिंग होम
मुरी में ध्यान रहे आयुष्मान का लाभ सिर्फ राशन कार्ड धारियों के लिए उपलब्ध है। तो जब भी आप आए सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में आयुष्मान का लाभ लेने, तो अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लाना ना भूलें।